हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ मटर और मखाने की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी मखाना, और मखाने को डालने के बाद हमें इसको बराबर चलाते हुए मीडियम आँच पर भून लेना है। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये अंदर से अच्छे से कुरकुरा ना हो जाए। तो आप इसे चेक करने के लिए एक मखाना लेके तोड़ के आप उसे देख सकते हैं। अगर वो आसानी से क्रश हो जाए तो समझिए कि मखाना जो है वो अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे जो है हमारा मखाना भून चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी अलग बर्तन में। तो देखिए, यहाँ पे हमने मखाना जो है भून के रेडी कर लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। और तेल डालने के बाद, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। उसके बाद डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। इससे जो है सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जब अच्छे से भून जाए तो हमें यहाँ पे डाल देना है प्याज का पेस्ट। और ये 2 मीडियम साइज का प्याज है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। और इसे तेल में डाल लेने के बाद इसे भी अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, प्याज अब अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसमें हमने लिया है 4 हरी मिर्च, आधा इंच टुकड़ा अदरक का लिया है और 1 बड़ा लहसुन लिया है। और इसका हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे हम। तो देखिए, इसे भी हमने भून लिया है। अब हम यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे। तो ये है हल्दी, 1 चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया हुआ है। 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है इसलिए हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर नहीं लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च पाउडर। तो ये सारे मसाले डाल लेने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आपने अगर हरी मिर्च का इस्तेमाल कम किया है तो यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं, पर हमने 4 हरी मिर्च ली है और वो भी तीखी वाली, इसलिए हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर नहीं लिया है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। इसे भी हमने बारीक पीस लिया है। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसे आपको अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक कि जो है मसाले अच्छे से तेल ना छोड़ दें। तो देखिए, यहाँ पे हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है और अब जो तेल है वो साइड में आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से मसाले को आपको भून लेना है। और भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मटर। तो हमने पहले से ही मटर को जो है बॉयल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी मटर और इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मसाले में। इसको डाल लेने के बाद अच्छे से चला लेना है हमें। चला लेने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे इसमें मलाई, और मैंने घर का फ्रेश क्रीम यूज किया है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच क्रीम डाल लिया है और ये हमने थोड़ा सा रहने दिया है। तो इसे हमें हमें बाद में यूज करना है। तो मलाई डाल लेने के बाद इसे हमें थोड़ा देर इसी तरीके से चला के हल्का सा भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद के अनुसार ऐड कर लें। तो नमक हमने डाल लिया है। अब हम यहाँ पे जो है पानी इसमें डाल देंगे। तो ग्रेवी के लिए आपको जितनी पानी चाहिए, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए, पतली ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, उसके अनुसार यहाँ पे आप पानी ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.25 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि मैं इसे ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो आपको जिस तरीके का ग्रेवी चाहिए उसी के अनुसार आप पानी डालें।
और अब इसमें दो तीन उबाल आ चुका है, तो मैंने जो मखाना भून के रखा है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। और मखाना डाल लेने के बाद हमें इसको और थोड़ी देर पका लेना है, जब तक कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पे मखाना जो है हमने ऐड कर दिया है, और अब हम इसे दो तीन मिनट और उबालेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। तो अब जो मैंने मलाई बचा के रखा हुआ है 1 चम्मच, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें। तो मलाई भी मैंने डाल दिया है और इसे बराबर चला लूँगी मैं। और चला लेने के बाद जो ग्रेवी है वो भी आप देख सकते हैं, अब अच्छी खासी गाढ़ी सी हो चुकी है। और इसको उतार लेने के बाद थोड़ी और ये गाढ़ी हो जाएगी। तो हम अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे हरा धनिया। और यहाँ पे सब्जी जो है रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसे पुलाव के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमने इसको सर्व कर लिया है, और अब थोड़ा सा हरा धनिया से हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो आप सभी को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।